मध्य प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी का लगातार तूफानी दौरा जारी है। आज दतिया आगमन पर पीसीसी चीफ जीतू पटवारी का कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने जोरदार स्वागत किया। खुली जीप में सवार जीतू पटवारी पर फूलों की बरसात की गई। स्वागत के बाद प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी पीताम्बरा पीठ पहुँचे। यहाँ जीतू ने माँ पीताम्बरा की पूजा अर्चना की। कार्यकर्ताओं ने बताया कि पीसीसी चीफ ने प्रदेश के विकास और आमजनों के सुख शांति की कामना की। जीतू ने मां बगलामुखी के दर्शन किए। बता दें कि दतिया स्थित पीताम्बरा माई को सत्ता की देवी कहा जाता है। यहां माता बगलामुखी देवी की आराधना की जाती है। मोदी की गारंटियां देश भर में प्रदेश भर में बताई गई 2014 में जिसका जिक्र जयवर्धन सिंह जी कर रहे थे। मोदी की गारंटी थी कि 2 करोड़ रोजगार देंगे। मोदी की गारंटी थी कि काला धन लाएंगे और 15-15 लाख देंगे। मोदी की गारंटी थी महंगाई कम करेंगे, भ्रष्टाचार समाप्त करेंगे। मोदी की गारंटी थी कि इस देश में स्टार्टअप इंडिया, स्टैंड अप इंडिया, अलग अलग तरह के नारे। फिर मध्य प्रदेश में चुनाव हुआ, फिर गारंटी आई। अब गारंटी क्या है? अब गारंटी है नहीं, अभी धान आया, तो तुलाई चालू हुई, अभी सरकारी तुलाई चालू नहीं हुई कि माई 10 मिनट बाद सब पुत्र इधर सरकार में बैठे हुए लोगों कि आपने जो गारंटी दी वो पूर्ण हो। मैं अनुरोध करना चाहता हूँ, जो परिवार के लोग यहाँ उपस्थित हैं, मैं सबके नाम है मेरे पास, मैं सबको जानता हूँ। मैं युवक कांग्रेस के जमाने से ही आ रहा हूँ। अध्यक्ष जी से लेके सभी परिवार के परिजन, युवक कांग्रेस, एनएसयू है, हमें जिम्मेवारी इस बात की है, हमारी जितनी बहनें बेटी महिला कांग्रेस, हमारे को जिम्मेवारी इस बात की है कि हम जो बीजेपी ने गीता और रामायण जैसा वचन पत्र विधानसभा में मुख्यमंत्री मोहन यादव जी ने लहराया, उस वचन पत्र की पालना में अपना संघर्ष करें, जनता के हक के लिए करें, उसके अधिकार के लिए करें। साथियों, मैं अनुरोध इतना करना चाहता हूं कि जैसा मैंने कहा कि आपका जहां पसीना गिरेगा वहां हमारी हमारा खून बहेगा, हम आपके कार्यकर्ताओं के सम्मान में कभी कोई कसर बाकी नहीं छोड़ेंगे। आज लोकतंत्र खतरे में है, आज सवाल है इस देश में ईवीएम को लेकर। एक बहुत बड़ा वर्ग सवाल उठाता है इस बात का कि हम वोट डालते हो सही जाता है या नहीं जाता। पूरे मध्य प्रदेश में जब एक तरह का आभास था इस बात का कि कांग्रेस की सरकार बनेगी, पूरे मध्य प्रदेश में एक तरह से सारे सर्वे, सारे राजनीतिक डॉक्टर, सारे अखबार, मीडिया, सारे जो कार्यकर्ता आमजन बदलाव के पक्ष में थी, उनका सबका एक ही भाव था कि इस बार कांग्रेस की प्रचंड बहुमत से सरकार बनेगी। पर हुआ विपरीत। जब बार बार ईवीएम को लेकर सवाल होते हैं तो अगर मोदी जी इतने ही ईमानदार और लोकप्रिय है तो डरते क्यों है? बैलेट पेपर से चुनाव करा भी ले तो जाएगा क्या? चुनाव में वोट डालने वाला तो ऐसे नहीं, तो ऐसे भी वोट जिसको देना है उसी को देगा, साच को आज क्या? तो मैं मानता हूं लोकतंत्र खतरे में है। जब सवाल उठने लगे हैं चुनाव पद्धति पर, सवाल उठने लगे हैं लोकतंत्र की व्यवस्था पर, जो लोकतंत्र की रक्षा करने वाली व्यवस्थाएं होती है, वो चाहे सुप्रीम कोर्ट, न्यायालय, जो चुनाव आयोग, जो ऐसी जितनी संस्थाएं जो मौलिक अधिकारों की रक्षा करती है, उनको सबको धीरे धीरे छोटी और ताकत विहीन कर दी है। साथियों, आप देखो मुख्यमंत्री का चेहरा था शिवराज सिंह जी चौहान, मुख्यमंत्री लाडली बहना के नाम पर चुना गया। मुख्यमंत्री ने चिल्ला कर पूरे प्रदेश में कहा, बहना मैं अगर तुम्हारे लिए कुछ न कर पाऊं तो मेरा मुख्यमंत्री बनना सार्थक नहीं है। बहनों ने उनके झांसे में आकर वो ठपा ढप दे दिए, पूरे मध्य प्रदेश में दे दिए। और अब मुख्यमंत्री बताए किसी और को और शादी किसी और से कर, सही है या गलत? मैं मानता हूं जब मुख्यमंत्री वो बने, उसके बाद उनका मंत्रिमंडल उनको बनाने की बारी आई, तब भी दिल्ली से लोगों को तय किया गया, मंत्रियों को तय किया गया, मुख्यमंत्री को मालूम भी नहीं कि कौन मंत्री बनेगा कौन संतरी बनेगा। फिर उनके विभाग की बारी आई, तब भी दिल्ली से
दिल्ली से फरमा रहा है कि इस व्यक्ति को यह विभाग है, ये क्या एहसास कराता है? ये पार्टी के अंदर भी लोकतंत्र है कि राजतंत्र है, मुख्यमंत्री अपने अधिकारों का उपयोग ही नहीं कर सकता, तो लोकतंत्र खतरे में नहीं है तो क्या है? साथियों, मैं अनुरोध करना चाहता हूं आप सबसे, जो राजेंद्र भारती जी अपनी बातें कह रहे थे, अपना संघर्ष, आपका संघर्ष, दतिया के कार्यकर्ताओं का संघर्ष, इनकी हिम्मत, इनका काम करने की शैली, इनकी बहादुरी, मैं प्रणाम करता हूं आप सबको, आप सबके चरणों में सर रखकर आप सबको साधुवाद देता हूं कि आपका इतना समर्पण कांग्रेस पार्टी को हमेशा उस विचार को जिंदा करता है जिसने देश को आजाद कराया था। हमारे संविधान के प्रति आपका जो एक साधु भाव है, मैं उसको प्रणाम करता हूं। साथियों, हमारा देश सर्वधर्म संभाव का देश है, हमारा देश अलग अलग जातियों का जरूर है, पर हमारा नारा हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में है भाई भाई। कांग्रेस पार्टी की नीति क्या है? हम दलित को, वंचित को, जो सबसे पीछे सबसे नीचे है, उसका सबसे पहले ख्याल क्या रखे, कैसे रखे, ये कांग्रेस पार्टी की हमेशा आत्मसात करती है। साथियों, मैं इतना ही कहना चाहता हूं कि इस पीताम्बरा माई की पावन धरती से कि जो सरकार ने गीता और रामायण जैसा वचन पत्र दिया वो पूरा करे, वो 450 रुपए की गैस की टंकी का आपने वादा किया था, आज लगभग सवा महीना हो गया, क्यों निर्णय नहीं लिया जा रहा है? क्या कारण है इस बात का कि बहनों को 3000 रुपया देने के महीने चुनाव बाद बात की थी लाडली बहना को, ये सरकार पूरा क्यों नहीं करना चाहती? और क्या कारण है इस बात का कि मध्य प्रदेश में जो वचन गीता और रामायण जैसा आपने पूर्ण किया उसका एक अक्षर भी अभी तक आपने एक शब्द भी नहीं बोला, मैं किया इसके लिए सरकार की जवाबदारी है या नहीं है? मैं अनुरोध इतना ही करना चाहता हूं कि कांग्रेस पार्टी राहुल गांधी जी की एक न्याय यात्रा इस ग्वालियर चंबल की पावन धरती में से निकलेगी, जो लगभग 20 फरवरी के बाद मध्य प्रदेश में झांसी से आपके दतिया और शिवपुरी के बीच में कहीं इंटर करेगी, आप मुरैना से, तो मैं आप सबसे अनुरोध करना चाहता हूं, उसकी रेखी चालू हो गई है, आप सबको और हम सबका दायित्व है, न्याय यात्रा है क्या? ये सामाजिक समानता और अधिकारों की रक्षा के लिए न्याय मांगने की एक पहल है। साथियों, राहुल गांधी जी ने भारत जोड़ो यात्रा इस देश में प्रेम, प्यार, मोहब्बत और देश की अस्मिता के लिए पूरे कश्मीर से कन्याकुमारी तक या कन्याकुमारी से कश्मीर तक पैदल चलकर आधुनिक भारत के पहले व्यक्ति बने। मैं आप सबसे अनुरोध करना चाहता हूं कि हमारे नेता ने मिसाल कायम की है, इस तरह की एक अपनी भावना अपने आप को समर्पित करके एक ही बात, प्रेम की, प्यार की, मोहब्बत की, हम आपस में मिलकर रहे, देश सबसे ऊपर हो, देश विश्व में नंबर वन आए, हमारा प्राचीन भारत जो हमारा भविष्य का भारत बने, जिसमें प्राचीन भारत की झलक हो, इस भावना को दुनिया के सामने लेके आए। फिर से न्याय है आर्थिक असमानता के खिलाफ, न्याय की मांग है राजनीतिक असमानता के खिलाफ, न्याय की मांग है जो पीछे और नीचे रहने वाले व्यक्ति के अधिकारों का हनन हो रहा है उसके खिलाफ। मैं आप सबसे अनुरोध करता हूं कि उसको आपको और हमको सफल बनाना है, एक एक कार्यकर्ता उसमें जुड़े, इस भावना के साथ मैं आप सबसे प्रार्थना करना चाहता हूं। जैसा अभी मुझसे पूर्व लोकसभा की बातें हुई, हमारे 3 महीने बाद लोकसभा के चुनाव, हमारी दतिया की सीट जो आपने जिस बहादुरी से चुन के लाए हो, अब ये वोट लोकतंत्र की रक्षा के लिए है, ये वोट आने वाले भविष्य में आप वोट देते रहे इसके लिए है। मैं आप सबसे अनुरोध करता हूँ कि कांग्रेस का हाथ के पंजे का प्रत्याशी या उपस्थित सभी परिवार के लोग, कई परिवार के लोग उसमें, हमारे पुराने लड़े हुए आशीष भी है, हमारे बरैया जी भी है, हमारे आप भी लड़ना चाहते हो ना, ये हमारे पूर्व विधायक जी भी है और हमारी बहन जी भी है, हमारे और भी साथी हो सकते हैं, हमारे पुराने बोल साहब भी है, और भी परिवार के लोग हो सकते हैं जो पार्टी के सामने अपना आवेदन कर रहे हैं, पर आपकी और हमारी ड्यूटी क्या है? जिसको पंजा मिले पूरी जान लगा देना, लगाओगे कि नहीं लगाओगे? हाथ उठा करके बता, लगाओगे? जीतू ने मां बगलामुखी के दर्शन किए। बता दें कि दतिया स्थित पीताम्बरा माई को सत्ता की देवी कहा जाता है, यहां माता बगलामुखी देवी की आराधना की जाती है।
मां बगलामुखी शत्रुनाश की अधिष्ठात्री देवी होने के साथ ही राजसत्ता की देवी भी कहलाती हैं। राजसत्ता प्राप्ति में मां बगलामुखी की पूजा का विशेष महत्व माना जाता है। इसी कारण सत्ता की कामना रखने वाले भक्त यहां आकर पूजा अर्चना करते हैं। यहां कई नेता गुप्त रूप से भी अनुष्ठान कराते हैं। दर्शन के बाद जीतू आज प्राचीन वनखंडेश्वर महादेव को जल अभिषेक भी करेंगे। इस दौरान वे दतिया, भिंड, मुरैना, श्योपुर, शिवपुरी और गुना में 09 से 12 जनवरी तक रहेंगे। जीतू आज संभागीय दौरे पर कांग्रेस की कई बैठकों में शामिल होंगे, जिसमें राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा को लेकर समीक्षा होगी। साथ ही कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और कार्यकर्ताओं से मुलाकात भी करेंगे। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष जीतू के साथ दतिया विधायक राजेंद्र भारती, सदन उपनेता प्रतिपक्ष हेमंत कटारे, पूर्व प्रतिपक्ष नेता डॉक्टर गोविंद सिंह, पूर्व मंत्री लाखन सिंह, पूर्व मंत्री एवं विधायक जयवर्धन सिंह और विधायक रामनिवास रावत भी साथ चल रहे हैं। 2023 विधानसभा चुनाव में कांग्रेस की हार के कारण संगठन में जोरदार बदलाव और ताबड़तोड़ दौरे हो रहे हैं। प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी 2024 के लोकसभा इलेक्शन की तैयारी में जुट गए हैं। प्रदेश में लगातार पटवारी का तूफानी दौरा जारी है।